नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमा, श्री वितरागाय नमः, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलात्मने शालोका नाम तलोद का नाम यद विद्या दर्पणायते, अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की ऋषभादी चौबीस तीर्थंकर भगवान की एक हजार अठस शांतिनाथ भगवान की है। अरे बंधो जैन सिद्धांत का महान ग्रंथ तत्वाथ तत्त्त सूत्र जिसकी शुरुआत दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गहा इस सूत्र से हुई और उसमें सबसे पहला अक्षर है सम्यक दर्शन आय जैन धर्म के आधार पर सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है जिस प्रकार से संसार में भूमि पृथ्वी का महत्व है उसी प्रकार जैन धर्म की आधारशिला सम्यक दर्शन है अगर सम जिस प्रकार से पृथ्वी है तो पृथ्वी पर संपूर्ण सृष्टि हो सकती है किंतु अगर पृथ्वी नहीं होगी तो कोई भी सृष्टि का कोई अंश नहीं रह सकता है ना ही पृथ्वी के अभाव में कहीं कोई जनजीवन रह सकता है ना ही कोई प्रकृति रह सकती है ठीक उसी प्रकार से सम्यक दर्शन अपने आप में एक पृथ्वी के समान हैं अगर सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान रह सकता है सम्यक चारक रह सकता है किंतु सम्यक दर्शन है तो न सम्यक ज्ञान का कोई महत्व होगा न सम्यक ज्ञान ज्ञान का न सम्यक चरित्र का कोई महत्व होगा ना ही मोक्ष मार्ग का कोई महत्व इस होगा इसलिए सम्यक दर्शन रूपी भूमि पर जैन धर्म टिका है ऐसे सम्यक दर्शन व्यक्ति के जीवन में जैन धर्म की शुरुआत और जैनत्व की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है आज हमारे सामने सुनील शर्मा जी उपस्थित हुए हैं जिन्होंने एक अपना यह चैनल तैयार किया और उसका नाम रखा है सम्यक दर्शन तो जिस प्रकार से जैन धर्म की आधारशला उसी प्रकार से अह मीडिया की भी आधारशला शायद सम्यक दर्शन बने और सम्यक दर्शन ए चैनल संपूर्ण व्यक्तियों के जीवन में एक ऐसी अमिट प्रभाव छोड़े एक ऐसा आधार बने जिससे संपूर्ण जैन ही नहीं संपूर्ण देश के जो सभी लोग हैं सम्यक दर्शन के माध्यम से अपने जीवन में धर्म को समझ सकें धर्म क्या है धर्म का सार क्या है आ धर्म के सार को समझ करके अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि यह बात बिल्कुल सत्य है संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए स्वीकार करता है बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि इंसान के जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है वह सब पुण्य से प्राप्त होता है और पुण्य की प्राप्ति जब भी होती है तो धर्म से होती है जैसा कि कल हमारा उपदेश वहाँ पर आर के वहाँ के उसमें हुआ था तो वहाँ पर भी हमने इसी बात को लिए सबसे आगे रख के कहा था कि व्यक्ति के जीवन में अगर धर्म है तो धर्म वर्तमान में भले ही उसके लिए कठिन लगे धर्म वर्तमान में उसके लिए हो सकता है कर हो किंतु वह धर्म व्यक्ति के जीवन में भविष्य में विशिष्ट फल दे फल देने वाला होता है यह धर्म से ही व्यक्ति का जीवन सुख शांति और आनंदमय हो, होता है धर्म वह संजीवनी बुटी है जिसके माध्यम से व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु के लिए प्राप्ति होती है इसीलिए हमारे यहाँ प्रतीक वर्ण करते हैं धर्म सर्वसुख करो हित करो धर्म बुधाचन मते धर्मेण समाप्यते श सुखम धर्माय तस्म नम धर्म नास्तपरा सुम धर्म से मूलम दया धर्मे चित महाम दधे प्रदनम हे धर्म आम पालय अर्थात धर्म सभी प्रकार के सुख का देने वाला है संपूर्ण प्राणी मात्र का हितकारी है इसलिए हम अपने जीवन में वह धर्म के लिए सम्यक दर्शन आधार बनता है सिर्फ सम्यक दर्शन इस चैनल जो भी सुनील शर्मा जी इसको चला रहे हैं हमारा उनके संपूर्ण सम्यक दर्शन परिवार के लिए हमारा आशीर्वाद है वो इसी प्रकार से जैन धर्म की तथा अहिंसा धर्म की प्रभावना निरंतर करते रहें बोले एक हज़ार आठ श्री शांतिनाथ भगवान की